हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसके टोटल सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम चैनल पे एक से एक वीडियो लाते रहते हैं रेगुलर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लाए हैं वो सोशल अवेयरनेस के बारे में है। जैसे कि आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, उसमें अगर आग लग जाती है तो आप उसे कैसे बुझा सकते हैं या उससे कैसे बच सकते हैं। तो ये हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इसका डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं हटना रहते हैं खुद का सुरक्षा हम गैस सिलेंडर से कैसे कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी जानकारी है आप सभी के लिए, और आप इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोग इससे जागरूक हो और गैस सिलेंडर से खुद का बचाव कर सके। सुना सर, मेरा कैसे लगा लोग खिचड़ी धर लिया सर, सब का करे होता है कि अभी आप मन के लिए खाना बना के चल गए, आपके रूम में चूहा है, ये पाइप पुराना हो गया है, साल दो साल आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, डैमेज हो गया है, तो उस स्थिति में भी पाइप खराब होने की वजह से भी गैस रिसाव हो जाता है, उस स्थिति में भी देखना है। उस स्थिति में देखिए क्या करता है, अगर पाइप में आपको आग लग जाए तो उस स्थिति में देखिए, हम बता देते हैं एक बार और आपको कि अगर पाइप में आग लग जाए तो किस तरह से आप आग पे काम करिए। देखिए, अगर मान के चलिए कहिएगा यहाँ पे, मान के चलिए पाइप के सेड़े पर आप कहीं, तो पाइप नीचे रखा हुआ रहता है ना, उसे क्या करना, झटका देना, ठीक है। अगर मैंने ऐसे मेरा पाइप फंसा दो अपने बसते हुए लेना, इसमें कुछ नहीं करना, मेरा बूता ना आप लोग ये वो ट्रायल करके दिखा सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, भक्राई है, भक्राई इतना जानी मेरा रूम में सबसे तेज। बकराई बढ़िया है, किसने बोली गिरिया जाता है सिलेंडर मान के चलिए, तो क्या करते होता है ना कि गिरने का सिलेंडर आ गया, क्या कीजिएगा सबसे पहले घंटा पहना धीरे आप लोग क्या कीजिएगा सबसे पहले देखिए हम याफी लोग के पास है, अभी भूल के पानी मत दीजिएगा, पानी से नहीं बुझेगा, कितना देता रह जाएगा, तीन दिन तक पानी दीजिएगा नहीं, या फिर लोग किसी से हम धमकी नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयर वो होता है ऐसा, कोई भी ना क्या कर व्यक्ति कम्बल ठीक तो हमेशा उपलब्ध रहता है, सब रूम में रहता है ना, कुछ नहीं करना, ठीक विपरीत हम देखिए हम कितना आसान से गैस की बुता, देखिए मेरा आग बुता नहीं करिए, यही आपको पैसे देना था, हमको कोई नुकसान हुआ इससे, हमको कहीं जला हुआ नहीं ना, सेफ रहा गया, मेरा आग बुत गया, मेरा संपत्ति भी नुकसान होने से बच गया, इसी में आग लगता हम छोड़ के और उनके कहने चल जाते कि मेरा घर में आग लग गया, आग लग गया, तब तक ये क्या होता बताते हैं, तब तक ये क्या होता कि बगल में जो खाने वाली वस्तु रखे हैं, चावल आटे गेहूँ जो भी कपड़ा नहाने में रहने करता है, वो क्या होगा कि पूरे में धर लेगा आपको, क्या होगा कि आपका पूरा रूम धर लेगा, धरने से क्या होता है कि बीच में देखिए आपका ज्वाइंट है, ज्वाइंट है ना बीच में, वो क्या होता है कि जब पूरा लहर जाएगा तो टेम्परेचर मतलब उसका तापमान
इसी सिलेंडर के बीच में आपको जाता है, तो जब टेम्परेचर बीच में जाएगा तो टंकी ब्लास्ट करेगा, जब गर्म होगा टंकी तो ब्लास्ट करने करेगा, इसलिए हबड़ाना नहीं। अगर आग लग भी जाए तो दम हबड़ा नहीं है, इससे सलाह डरना नहीं लड़ना, ये दिमाग में रख लीजिए। किचन रूम में अगर आग में लग जाए तो सिर्फ समझिए मेरा किचन रूम में है, इससे आगे नहीं जाएगा, एकदम कन्फर्म दिमाग में रहेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा फायर सर्विस पर। फायर सर्विस को जब सूचनाएं देते हैं तो फायर सर्विस को भी सही आप अपना नाम नंबर जरूर दीजिए, वो पूछेगा आपसे, नाम बताइए, नंबर बताइए, जाने का रास्ता सुगम बताइए। ये भी नहीं कि फायर सर्विस की गाड़ी आ गया एकरों में चल जाएगा, जहां नहीं उतरने का उसको उतार दिया, तो वो होगा तो आग ना पूछ के फायर सर्विस की गाड़ी कहीं फंस गई तो वह भी दिक्कत होगी। इसलिए जागरूक नागरिक होने के कारण, अवेयरनेस होने के कारण आपको फायर सर्विस को मदद करनी है, फायर सर्विस को सही लोकेशन देना है और सही रास्ता दे करके सही जगह पर ले जाना, जल्दी से जल्दी हो जाए। प्लस रोड पर जब चल रहे हैं आप फायर सर्विस की गाड़ी अगर जा रही है, जबकि लिखा हुआ होता है बिहार अग्निशाम सेवा, तो बिहार अग्निशाम सेवा गाड़ी अगर सायरन घंटी अगर बजा रही है तो आप कृपया 2 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, मिनटों के लिए खाली गाड़ी हो या पशु बगल अगर हो जाइएगा उसको जाने दीजिए। अगर वो जाने देते हैं तो वह जल्दी हम फायर सर्विस की गाड़ी को देंगे। आप अगर 5 मिनट लेट भी जाइएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो ये भी एक जागरूकता है, ये काम आपको करने का है, आपको हिम्मत दे रहे हैं कि अगर छोटे मोटे गैस से लीकेज हो जाए, अरे नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम जितना देर किसी को कहने जाएंगे इस रूम से चाहे उस घर में कि हमारा आग लग गया, तब तक लगे इसको दिया तो हम हिम्मत है तो तब तक रेगुलेटर को बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप खाना बनाते होंगे तो साथी घर में सबके रहता होगा, रहता है ना, उसे भी कुछ छोटा मोटा प्रतिक्रिया कर, जैसे छोटा या आगे इस बच्चा को अगर एक तबड़ा करके मारेंगे तो रो करके रह जाएगा, और अगर इनको हम एक ऐसे मार दें तो ये हमसे लड़ाई करना शुरू कर देंगे। आग भी वही करता है, छोटे में आग को छोटे हम बुझा सकते हैं, उतना आपको परेशान नहीं करेगा जितना कि बड़ा आग होने का, बड़ा आग हो जाएगा तो आपसे संभव नहीं है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था सेफ्टी के बारे में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लोगों के सिद्धांत पर अपने आप को बचाना है।